बेटी को मायके से तीन चीज़ें भूलकर भी मत देना। आइए, कौन कौन सी है? मित्रों, बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में खुशियाँ ही खुशियाँ फैले। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। विदाई के समय बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुशियाँ के बजाय दुख आने लगते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बेटी को विदाई के समय कौन सी चीज़ें गलती से भी नहीं देना चाहिए। तो अगर आने वाले कुछ महीनों में आपकी बेटी की शादी है तो इन बातों का खास ख्याल रखें। आइए जानते हैं। नंबर 1, मिर्च। बेटी को विदाई के समय कभी भी मिर्च नहीं देना चाहिए। इससे इसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखेंगे तो नए रिश्तों में शुरुआत से ही तकरार होती है। आज बेटी को विदाई में फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। नंबर 2, चूल्हा। कुछ लोग बेटी को गृहस्थी के लिए विदाई के दौरान चूल्हा देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। चूल्हा देने से माना जाता है कि वह नए परिवार में जाते ही अपना चूल्हा अलग कर ले। चूल्हे की बजाय आप डिनर सेट या फिर अन्य गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीज़ें दे सकते हैं। नंबर 3, नमक। दोस्तों, विदाई के समय बेटी को भूलकर भी नमक नहीं देना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप नए रिश्तों में बेटी को घुलने मिलने के से रोक रहे हैं। विदाई में आप बेटी को मीठी चीज़ें दे सकते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। मित्रों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जय श्री राम जरूर बोले और लाइक शेयर करना न भूले। आपका कोई भी विचार है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।